हाय गाइज, दिस इज कुंदन फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। गाइज, आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 5 वीडियो है HTML के ऊपर। सो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, एनवायरनमेंट सेटअप फॉर HTML। गाइज, आज के इस वीडियो में हम अपने HTML के लिए एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। सो गाइज, HTML शुरू करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। पहला होगा वो होगा एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा वो ब्राउज़र। गाइज, जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होगा उसका यूज हम अपने HTML प्रोग्राम को लिखने के लिए करेंगे एंड ब्राउज़र का यूज हम उसके आउटपुट को देखने के लिए करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स एंड IDE अवेलेबल है जिसका यूज हम अपने HTML प्रोग्राम को राइट करने के लिए करेंगे या कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हूँ, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ब्रैकेट, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। गाइज, ये तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, उसका यूज हम अपने टेक्स्ट को राइट करने के लिए करेंगे। यहाँ पर आप किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड अवेलेबल हो सकता है अगर आप विंडो का OS यूज कर रहे होंगे तो। अदरवाइज आप इनमें से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एक सॉफ्टवेयर का। अब ब्राउज़र की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने HTML कोडिंग के आउटपुट को देख सकते हैं। गाइज, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि जो HTML लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि उसे हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। सो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने कोड को ट्रांसलेट कर सकें जिसका नाम है इंटरप्रेटर। वो करता यह है कि हमारे HTML कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसके बाद हमारा मशीन हमारे कोड को अंडरस्टैंड कर उसका आउटपुट जो भी होता है वो हमें भेज देता है। उसी तरह यहाँ पे जो ब्राउजर्स है उसके अंदर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है यानी कि प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जो कि हमारे HTML कोडिंग को मशीन लेवल में कन्वर्ट करके उसे मशीन अंडरस्टैंड लायक बनाता है जिसके बाद हमारा जो ब्राउजर्स है वो हमें आउटपुट दे पाता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने वाला हूँ तो आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ अगर आपको अच्छा लगे तो, या आप किसी और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को यानी कि HTML फाइल को राइट करने के लिए। सो गाइस, मैं यहाँ पे क्रोम और ब्रैकेट सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ इस होल सीरीज में। सो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने PC में। सो गाइस, इसको आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको आना है अपने PC स्क्रीन के होम मेनू में। होम मेनू में आने के बाद आपको क्लिक करना है अपने किसी भी एक ब्राउजर्स को। सो आपके पास हो सकता है अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके वेबसाइट्स को ओपन किया हूँ, मतलब ब्रैकेट को वेबसाइट को जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ तो इसको मैं सेव नहीं करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको सिंपली ओपन करना है तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के यहाँ पे मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर रखा हूँ तो इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स जो है जो मैंने पहले क्रिएट किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ से न्यू टैब ले सकता हूँ, इस तरह फाइल मेनू पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना, आपको न्यू टैब मिल जाएगा। न्यू टैब मिलने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आप HTML कोडिंग को लिख सकते हैं। जैसे HTML कोडिंग को हम इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने कोड को और भी बेहतर तरीके से काफ़ी इजीली उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रिक का यूज करने के लिए हमें अपने जो फाइल है उसको सेव करना पड़ेगा। सो HTML को फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नाम कुछ भी दे सकते हैं मगर जो इसका एक्सटेंशन होगा वो होगा .htm या .html। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे one.html। HTML क्या हो गया गाइज, इसका एक्सटेंशन जिसका यूज जो ये डिफाइन करता है कि जो हमारा फाइल है वो HTML फाइल है। सो इसको आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करेंगे जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेगा अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए। जैसे कि गाइस, यहाँ पर मैंने एक सिंबल देता हूँ एक्सप्लेनेशन का, जिसके बाद मैं यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो हुआ क्या कि मुझे सिर्फ एक सिंबल लिखने पर यह मुझे पूरा HTML का स्ट्रक्चर राइट करके दे दिया। और इसी तरह बहुत सारे फीचर्स है इसका जो हम आने वाले समय में सीखेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग।
सो गाइज यहाँ पे ये सिस्टम को आपको इनेबल करना होगा। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये जो ऑप्शन है मैंने इसको इनेबल किया था। सो ये बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इसको इनेबल आप कैसे करेंगे, सो चलिए आपको इनेबल करना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको आना है फाइल टैब पे। फाइल टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका नाम एंटर करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने इंस्टॉल किया था ईमेट लिखकर, ईमेट लिखना आपको। सॉरी गाइस ये थोड़ा लोड ले रहा है, काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है ये, सो आपको ये वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है ईमेट, अभी भी ये लोड ला है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेट, EWMET ईमेट, ठीक है। सो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है जिसका मैंने पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो यहाँ पे डिसेबल आ रहा है इंस्टॉल का बटन, सो आपको आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपके पास ये इनेबल होगा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है सिंपली आपको, और ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, शो होने के बाद आप इस तरह यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको किसी भी टैग का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ एंकर टैग का नाम लिखा हूँ और इसको मैंने टैब का बटन प्रेस कर दिया था, ये पूरा एंकर टैग का जो भी स्ट्रक्चर होगा हमें राइट करके दे देगा। सो गाइज ये आपको आपका काफ़ी हेल्प करेगा प्रोग्राम को लिखने में, आपका टाइम भी बचाएगा। सो गाइज ये हुआ हमारा इसका इंट्रोडक्शन IDE का, यानी कि टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का। सो अब यहाँ पे जो हमने फाइल सेव किया था उसका आउटपुट हम देख सकते हैं अपने ब्राउज़र की हेल्प से। सो इसके बारे में हम आगे जानेंगे जब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे राइट करके, सो इसके बारे में आगे हम बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। गाइज वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट कर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और गाइज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कुछ कमी है सो आप वो भी बता दीजिएगा हमें कमेंट करके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।